नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़। और मैक्सिमा मिनिमा के कुछ क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आया कि मैंने करवाए हैं आपको सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा क्वेश्चन। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं आपके ही मैथ्स डैडी पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों, ये है आपके पास ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम लोग पता लगाने वाले हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स। लेकिन ये वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जी हाँ, इन्फ्लेक्शन निकालने में भी एक अलग कॉन्सेप्ट लगता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है जहां पर लिखा हुआ है फाइंड द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डिवाइड कर देते हैं कि किस किस चीज को हमें निकालना है। तो पहला पार्ट तो ये है जहां पर हमें टर्निंग पॉइंट निकालना है। टर्निंग पॉइंट मतलब वही जो लास्ट वीडियो में समझाया था, मूड चेंज होने वाला पॉइंट, जहां पर इंक्रीज की तरफ जाता हुआ डिक्रीज में चला जाता है और वहां पर आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं। राइट, तो यहां पर आपको पहला तो टर्निंग पॉइंट निकालना है। टर्निंग पॉइंट मतलब वही वाला f dash x इक्वल टू जीरो, तो वहां से आपको टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा। तो यहां तक तो आपका क्वेश्चन सेम है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से आपको निकालना रहता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। पर यहां पर आपको लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। क्या डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमा में, ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप तो यहां पर वही है कि आपको एफ ऑफ एक्स लिखना है। दूसरा स्टेप यह है आपको डिफरेंशिएट करना है इसको, तो यू विल गेट एफ डैश ऑफ एक्स। उसके बाद पिछले वीडियो में देखा गया था कि आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो किया और इससे आपको मिले टर्निंग पॉइंट। तो यहां तक तो पूरी प्रोसेस इसमें भी सेम है, कम से कम यहां तक तो कर ही लेते हैं, फिर देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो यहां पर आपने देखा कि f डैश x करने पर आपको x इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री और x इज इक्वल टू 2 मिल गया, जो कि आपके टर्निंग पॉइंट है। इन्हीं टर्निंग पॉइंट को किसी और लैंग्वेज में लिखना है तो उसको कहा जाता है एक्सट्रीमम। राइट, एक्सट्रीमम, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं कि क्वेश्चन कहां पे अपने रंग बदलता है, क्योंकि टिल नाउ एवरीथिंग इज सेम। जब भी हम निकालते थे एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा, तो इतना काम तो आपको करना ही पड़ता था, आपको इतनी स्टेप तो रट गई थी। लेकिन अब क्या है डिफरेंस यहां पर लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट निकालने में, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर आपका रोल था। यहां पर क्या डिफरेंस है कि आप जब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू निकालते थे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू जब निकालते थे आप, तो f डैश x इक्वल टू जीरो करके जो आपके टर्निंग पॉइंट्स की वैल्यू आती थी, इसको आप पुट करते थे f ऑफ x में। राइट, आप f ऑफ x में पुट करते थे। हाँ, उसको जब हम सॉल्व करते थे तो आपकी अगर जीरो से बड़ी वैल्यू आती थी या जीरो से छोटी वैल्यू आती थी, उसको हम चेक करते थे। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती थी उसको हम बोलते थे मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जो सबसे छोटी वैल्यू होती थी, क्योंकि छोटी है, तो उसको बोलते थे एब्सोल्यूट मिनिमा। लेकिन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के केस में ये चीज उल्टी हो जाती है। जो आपकी बड़ी वैल्यू होती है वो आपको देती है लोकल मिनिमा, और जो आपकी छोटी वैल्यू होती है वो होती है आपकी लोकल मैक्सिमा। जी हां, बड़ी वैल्यू देगी आपको लोकल मिनिमा और छोटी वैल्यू देगी आपको लोकल मैक्सिमा, उल्टा है। एक चीज और चेंज है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी f डैश x इक्वल टू जीरो करने के बाद जो x की वैल्यू आई थी टर्निंग पॉइंट की, उसको हम पुट करते थे f ऑफ x में। बट नाउ सिनेरियो हैज चेंज्ड, नाउ वी हैव टू पुट दीज टू वैल्यूज इन द इक्वेशन विच गिव्स f डबल डैश ऑफ x। मतलब यहां पर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा में f डबल डैश ऑफ x आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल भूलिएगा मत। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालना था, जहां पर आपको x की वैल्यू डालनी थी कहां पर f ऑफ x में,
फिर आप चेक करते थे उसमें मैक्सिमम मिनिमा क्या है, बड़ी वैल्यू मैक्सिमा, छोटी वैल्यू मिनिमा। यहां पर पहली चीज तो ये चेंज हो जाती है कि यहां पर जो एक्स की वैल्यू है वो एफ डबल डैश ऑफ एक्स में आएगी, डबल डैश ऑफ एक्स में, और जो आपकी बड़ी वैल्यू रहेगी वो आपको लोकल मिनिमा देगी, और जो आपकी छोटी वैल्यू रहेगी वो आपको लोकल मैक्सिमा देगी। तो डू नॉट फॉरगेट दिस, कहीं पर लिख लीजिए पेज में अच्छे से, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, लिखना पड़ेगा, नोट करिए अच्छे से। तो दोस्तों ये देखिए, आपकी जो वैल्यू आई थी एक्सट्रीमम की, मतलब टर्निंग पॉइंट की, उसको आपने डाला एफ डबल डैश एक्स पे, क्योंकि यहां पर जब भी आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करते हैं तो आप एफ डबल एक्स में वैल्यू डालते हैं, जब आप एब्सोल्यूट में करते थे तो आप एफ ऑफ एक्स में वैल्यू डालते थे। तो यहां पर आपने एफ डबल डैश ऑफ 2 एंड एफ डबल डैश ऑफ -2/3 में वैल्यू डाली। एक बार वैल्यू आई है 8 और एक बार वैल्यू आई है -8। जब 8 आई है इसका मतलब ये 0 से बड़ी है, -8 आई है तो ये वैल्यू 0 से छोटी है। पर मैंने आपको बताया था कि इसमें उल्टा चलता है, जब हम -8 निकालेंगे तो ये मिनिमा नहीं होगा, ये होगा मैक्सिमा। जी हाँ, तो जब यहां पर वैल्यू आई थी 8 विच इज ग्रेटर देन 0, तब आया था आपका लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2, और जब आपकी वैल्यू आई थी -8 विच इज लेस देन 0, तब आया था आपका लोकल मैक्सिमा। तो ये याद रखिएगा कि 0 से ऊपर जो आपको बड़ा मिलना चाहिए था वो आपको लोकल मिनिमा दे रहा है, और 0 से नीचे जो आपको छोटा देना चाहिए था वो आपको मैक्सिमा दे रहा है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने जिसमें आपको फिर से निकालने हैं लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। तो सबसे पहले क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे मैं लिख देता हूं, फिर आप वीडियो पॉज करेंगे और खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम टैली करेंगे। क्योंकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में एफ डबल डैश एक्स निकालना ही है बाद में, तो क्यों ना पहले ही निकाल के रख लें, सब्स्टिट्यूशन बाद में करते रहेंगे। तो ये है आपकी पूरी स्टेप्स, जहां पर पहले आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है, फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन, उसके बाद उसको एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे, और यहां से जो वैल्यू निकलेंगी ऑब्वियस ही बात है यहां पे क्योंकि 4 डिग्री इक्वेशन है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 डिग्री इक्वेशन बनेगी, 3 डिग्री इक्वेशन को अगर स्प्लिट करेंगे तो आपके पास एक्स की टोटल 3 वैल्यू आएंगी, और ये 3 वैल्यू हम डालेंगे एक एक करके एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स पे। तो स्टार्ट करिए पॉज करके आप अपना सॉल्यूशन, और उसके बाद हम टैली करेंगे वीडियो से। तो दोस्तों यहां पर आपने निकाला होगा एफ ऑफ एक्स, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन किया होगा एक बार, फिर दूसरी बार किया होगा तो ये आया होगा, और उसके बाद आपने एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करके इसको स्प्लिट कर दिया होगा। यहां से आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां पर पहली वैल्यू आएगी x इक्वल टू 0, यहां पर आएगी -3 और यहां पर आएगी -5। तो अब ये वैल्यू काम आएगी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए, जिसको आप तब निकाल पाते हैं जब आप इसकी तीनों वैल्यू को एफ डबल डैश एक्स में डालते हैं। तो डाल के देखते हैं, यहां पर इस तरह से ये यहां पर आएगा -3 और यहां पर आएगा -5। एफ डबल डैश यहां पर लिखा हुआ है, डाल देते हैं वैल्यू। तो यहां देखिए आपने कैटेगराइज कर ली सारी वैल्यूज को उस तरह से जैसे कि वो 0 से बड़ी कौन सी है और 0 से छोटी कौन सी है। भाई समझो, 0 से जो बड़ी थी उसको मिलेगा लोकल मिनिमा, 0 से जो छोटी थी उसको मिलेगा लोकल मैक्सिमा। तो यहां पर लिख दीजिए पॉइंट ऑफ, और यहां पर लिख दीजिए पॉइंट ऑफ, और एक और बार यहां पर आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि भैया आपने कहा कि यहां पर तो लोकल मैक्सिमा दो बार आ गया, तो भैया यही तो बात हुई थी कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कई बार एक ही ग्राफ में एक ही कर्व में आ सकते हैं, क्योंकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बहुत सारे होते हैं, एक कौन होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, लेकिन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कई बार हो सकते हैं। इसीलिए जब हम मैक्सिमा मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालते हैं तब आप लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 नहीं निकालते, क्योंकि ये लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 तो बहुत सारी चीज हो सकती हैं, तो इसीलिए बहुत सारी हो सकती हैं, तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा इस तरह कंपेयर करते हैं। लेकिन जब बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की, तो हम बात करते हैं हाईएस्ट वैल्यू की और लोएस्ट वैल्यू की, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू एक ही होगी लोएस्ट वैल्यू भी एक ही होगी, इसीलिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अलग है
एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा अलग है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में आपको एफ डबल डैश एक्स में डालनी है वैल्यू, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा में आपको निकालनी पड़ती है किससे वैल्यू, एफ ऑफ एक्स में डालकर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आ गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कहा जाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जब आपका मैक्सिमा मिनिमा या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तब उसको बोला जाता है इन्फ्लेक्शन। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला केस होता है ये, इसको कहता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। आइए देखते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता कैसे है। तो दोस्तों ये जो ग्राफ है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब इट इज नाइदर शोइंग इंक्रीमेंट नॉर डिक्रीमेंट, क्योंकि यहां पर टर्निंग पॉइंट आपका मिसिंग है। टर्निंग पॉइंट होता है तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा था, इस टर्निंग पॉइंट से नीचे की तरफ आने लगा, पर यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से कुछ चलता जा रहा है, पता नहीं ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ, पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसे करेंगे इसके सवाल, पहले आप स्टेप वाइज देख लीजिए कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, एफ ऑफ एक्स का आप पहले एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, उसको डैश इक्वल टू जीरो कर दीजिएगा, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, मतलब ये सी वो रहेगा जहां पर जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला है आपको। यहां पर आपको मिला है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये वाला पॉइंट जहां पर आपका ना आ रहा है ना जा रहा है, मतलब ना आपका इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसी पॉइंट को बोलेंगे सी, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे C वाले पॉइंट पर इक्वल टू जीरो करेंगे, और उसके बाद ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी करेंगे और इसको नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे। मुझे पता है थ्योरेटिकली क्लियर नहीं हो पा रहा, हम इसका एक बहुत ही सिंपल सा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको पूरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए, ये है आपका सवाल, और मैंने इसमें कुछ बेसिक स्टेप सॉल्व भी कर दिए ताकि आपका टाइम बच जाए। आपने ये सवाल जैसे ही देखा आपने पहले एफ ऑफ एक्स लिखा, ये स्टेप्स मैंडेटरी हैं दोस्तों, स्टेप्स मैंडेटरी हैं, कुछ भी स्किप करके आगे मत बढ़िएगा। ये अपना बोर्ड का एग्जाम है ना कि अपना ऑब्जेक्टिव आईआईटी वाला, राइट। बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने ही पड़ते हैं। यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर आपने एफ ऑफ एक्स निकाला, फिर एफ डैश एक्स निकाला, फिर एफ डबल डैश एक्स निकाला। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बोलेंगे सर एक चीज और निकाल दो ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो निकाल दो, तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट ये निकल जाएगा। निकाल लो भाई आप बोल रहे हो तो। तो ये निकल आया आपका x इज इक्वल टू 3/2। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि भाई क्रिटिकल पॉइंट तो निकल आया 3/2, अब इसको सब्स्टिट्यूट करना बचा है। यहां पर आने के बाद पूरी जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अब आ रहा है मेन पॉइंट। यहां पर आप जिस तरह से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए जो वैल्यू थी उसको एफ डबल डैश एक्स ऑफ में डालते थे, तो हम यहां पर भी डालेंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि यहां पर आपकी वैल्यू अगर लेस देन जीरो आएगी तो वो हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो आएगी तो वो आएगा लोकल मिनिमा। तो हम देखते हैं कि वैल्यू आ क्या रही है। तो ये है आपका एफ डबल डैश एक्स, तो यहां देखिए 24। तो क्या आपको नहीं लगता कि वैल्यू इक्वल टू जीरो आ गई, लेस देन जीरो भी नहीं आई, ग्रेटर देन जीरो भी नहीं आई, अरे भाई यहां इक्वल टू जीरो आ गई। मतलब क्या जो मैं आपसे बात बोल रहा था कि भाई इंक्रीमेंट भी नहीं लग पाता डिक्रीमेंट भी नहीं लग पाता, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता कि क्या आता, यहां पर भी नहीं आता ना, अपना इंक्रीमेंट हो पा रहा है ना डिक्रीमेंट हो पा रहा है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया है। तो यहां पर अभी उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बन गया है कि भाई क्या लिखूं, लोकल मैक्सिमा भी नहीं आ रहा लोकल मिनिमा भी नहीं आ रहा। तो यहां पर लिखा जाता है कि देयर इज नो इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट डज नॉट गिव एनी इंटरफेरेंस, सो वी कैलकुलेट। अब दूसरा पार्ट कुछ करेंगे, जैसे कि आपसे आपके स्कूल में आपकी मैडम आपसे कंप्लेंट करती हैं कि भाई तुम सुधर जाओ, लेकिन आप नहीं सुधरते। जब आप नहीं सुधरते तो क्या करते हैं, क्या छोड़ देते हैं मैम को? नहीं, फिर आपके पापा से कंप्लेंट करते हैं। यहां पर भी यही है, जब हम एफ डबल डैश एक्स से वैल्यू निकालने की कोशिश कर चुके हैं और वैल्यू नहीं निकली तो वो छोड़ेंगे नहीं, अब अपने पापा से मतलब एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स से बात करेंगे और उससे बोलेंगे कि भाई निकालो वैल्यू। तो ये बात चलेगी आप एफ ट्रिपल डैश की, और यहां पर जिस तरह मैंने एफ ट्रिपल डैश ये निकाला था सी पर, फिर से एफ डबल डैश 3/2 पे निकाल चुके हैं आप लोग, एफ ट्रिपल डैश 3/2 पे निकालिए। अब यहां पर आएगा कुछ ऐसा,
और एफ ट्रिपल डैश में पहले ही निकाल देता हूं ताकि आपको उसमें भी दिक्कत ना आए। वैल्यू आएगी 24, तो आपने देखा कि वैल्यू 24 ही थी, उसको आप डिफरेंशिएट करके और छोटा कर सकते ही थे, और उसकी वैल्यू भी देख रहे हैं आप कि 24 है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया ना मेरे दोस्त, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि ट्रिपल डैश डालने पर भी अगर एक्स होता भी तब भी वो नॉट इक्वल टू जीरो आता। यहाँ पे एक्स का तो टर्म ही नहीं है, तो दिक्कत ही नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्व आपकी। अगर ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला केस है। तो यही लिखना है आपको, एफ ट्रिपल डैश इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नो पॉइंट ऑफ मिनिमा, सो इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आई होप दिस इज क्लियर, नाउ कॉपी इट डाउन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए और फिर आकर वापस टैली करिए। तो आई होप कि आपने एक सॉल्यूशन ट्राई कर लिया होगा और यहां पर उसको टैली कर लीजिए कि सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स निकाला, एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद समझ में आया कि सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल कई जगह पर वैलिड नहीं हो पाता, इनफाइनाइट वैल्यू दे देता है एक्स की वैल्यू डालने पर। तो कौन कौन से वो पॉइंट है, पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू, मतलब जीरो से लेकर टू पाई में ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि आपको वो कॉस में और सेक में दोनों जगह पर आपको वो इनफाइनाइट दे देंगे और ये वैलिड नहीं होंगे ये वाले पॉइंट। तो इनको आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा, बाकी के निकाल दीजिएगा, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अगर ये वाला पॉइंट ना भी लिखें तब भी हम एक बार मतलब बोर्ड एक बार नंबर आपके नहीं काटेगा, राइट। तो एफ डैश एक्स निकाला आपने, राइट, इसको डिफ्रेंशिएट किया आपने दिया आया और इसको बढ़िया आपने फिर एफ डबल डैश एक्स निकाला, तो ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। इस पूरी इक्वेशन को आपने इक्वल टू जीरो कर दिया, तो टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो और सेक एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या होंगी एक्स की वैल्यू, आपको पता है कि एक्स की वैल्यू आपको जीरो से टू पाई के बीच में निकालनी है, तो क्या क्या होंगी वैल्यू, यहां पर आपको टेन एक्स इक्वल टू जीरो और सेक एक्स इज इक्वल टू टू मिले। तो अब ये वैल्यू आपको पुट करनी है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। तो ऐसे में निकाला जाएगा क्या, तीन पॉइंट के लिए एट एक्स इजिकल टू पाई, एट एक्स इजिकल टू पाई बाय थ्री, एट एक्स इजिकल टू पाई फाइव पाई बाय थ्री। और कहां डाला जाएगा ये, जी हाँ, एफ डबल डैश एक्स पर। तो यहां पर तीन तरह की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, और क्योंकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है तो बहुत सारे रहेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो आपको लेस देन और ग्रेटर देन पे काम करना है। जब लेस देन जीरो रहेगा तो रहेगा लोकल मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो रहेगा वो लोकल मिनिमा। तो दोस्तों इस तरह से आपने एफ डबल डैश पाई, एफ डबल डैश फाइव बाई थ्री और एफ डबल डैश फाइव पाई बाई थ्री की वैल्यू निकाली। तो ये जब आया आपका माइनस थ्री तो लेस देन जीरो आया, ये आया आपका ग्रेटर देन जीरो, ये आया ग्रेटर देन जीरो, तो ये आपका बन गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये बन गया आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा और ये भी बन गया आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना एक अलग बात है और वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना एक दूसरी बात। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आखिरी में डिस्कस कर रहा हूं मैं। इस वीडियो के आखिरी के कुछ मिनटों में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अलग चीज होती है और पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये भी अलग चीज होती है। क्या किया हमने, ये हमने निकाली है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकाल लिया, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी इसी वैल्यू को एफ ऑफ पाई में डालकर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको। एफ फाइव पाई बाय थ्री को करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको, और वैसे ही ये जो पाई बाय थ्री था इसको भी डालेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अलग होती है और मैक्सिमम वैल्यू एक्सेल में उस पॉइंट पर क्या मैक्सिमम वैल्यू थी ये निकालने के लिए आपको यहां पर y इज इक्वल टू जो sec x प्लस log x log cos स्क्वायर x है उस पर डालना पड़ेगा। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राहुल धाकड़ की तरफ से नमस्कार। Midges that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.